राजस्थान के पाली में बांद्रा से जोधपुर जा रही सूर्यनगरी एक्सप्रेस ट्रेन के 11 डिब्बे पटरी से उतर गए। घटना सुबह 3:27 की है। हालांकि अभी तक किसी के हताहत सूचना नहीं है। वहीं 15 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसा जोधपुर मंडल के राजकीय आवास में हुआ। जोधपुर से एक दुर्घटना राहत ट्रेन भेजी गई है। वहीं उत्तर पश्चिमी रेलवे के जनरल मैनेजर अपने अधिकारियों के साथ जयपुर स्थित हेडक्वार्टर में कंट्रोल रूम में स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। तो वही हादसे के चलते कई ट्रेनों को रद्द किया गया है। वहीं कई ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। रेलवे विभाग ने सूचना के जरिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। सूर्यनगरी एक्सप्रेस जो कि मारवाड़ से जोधपुर के मध्य जा रही थी, उसका राजकीय वास और बोमदरा के बीच में अवपथन हो गया है। इस अवपथन के फलस्वरूप लगभग 11 कोच प्रभावित हुए हैं, लेकिन कोई जनहानि की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। उच्चाधिकारी जो है घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और कंट्रोल से भी इसकी लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा है। DRM, ADRM, मंडल प्रबंधक वगैरह जो है उच्चाधिकारी मंडल के वो राहत गाड़ी के साथ घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और कंट्रोल से भी इसके लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जो प्रभावित यात्री हैं, उन जो फंसे हुए हैं वहाँ पे, उनके लिए बसेस का इंतजाम किया गया है। महाराष्ट्र नासिक से हूँ, नासिक की DOC हूँ मैं, DOC गाड़ी हेमांगी पाटिल। हम लोग पाली स्टेशन में उतरने वाले थे। बच्चों को हमने कहा कि आप अपने बैग वगैरह पैक कर दो, तो बच्चे बैग लेके रेडी थे कि आगे स्टेशन है तो स्टेशन की गाड़ी ज़्यादा देर नहीं रुकेगी, तो आप अपना सामान लेके रेडी रखो। तभी अचानक से कुछ ऐसी आवाज़ आई, हमें कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है, और एकदम से एक दो सेकंड में ही सब वैसे गिर गए ना, तो मैंने तो 3 पलटी खाई ऐसे, और बच्चे भी सब एक के ऊपर एक गिर गए, सामान भी यहाँ।